हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपको बता दें, यह वीडियो रामेश्वरम सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कराए और आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूँ धनुषकोड़ी। दोस्तों भारत के किसी भी कोने से अगर आप धनुषकोड़ी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रामेश्वरम आना होगा। रामेश्वरम से धनुषकोड़ी के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। दोस्तों जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने रामेश्वरम वाली वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि आप रामेश्वरम कैसे आएँ और कहाँ रुकें, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों धनुषकोड़ी पुलिस चेक पोस्ट सुबह 6 बजे खुलती है और शाम 5 बजे बंद हो जाती है, तो आप लोग जब भी इस ट्रिप को प्लान करें तो उसी हिसाब से ट्रिप प्लान करें। दोस्तों पहले रेलवे स्टेशन जो था वो धनुषकोड़ी में भी था। ये जो आप साइड में देख सकते हैं, ये धनुषकोड़ी का रेलवे स्टेशन है। ये 1964 में जब एक बहुत बड़ा सुनामी आया था यहाँ पर, जिसकी वजह से यह पूरा शहर धनुषकोड़ी तबाह हो गया था, उसी में ये पूरा रेलवे स्टेशन इनका तबाह हो गया था। तभी से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है, ट्रेन रामेश्वरम तक ही केवल आती है। तो ये पीछे जो आपने देखा है धनुषकोड़ी विलेज था, यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे है अरिकल मोनई, जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है भारत का। अभी हम वहाँ पे चलते हैं, वापस आके आपको इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस हिस्टोरिकल प्लेस पे जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन दोनों मिलती हैं। तो चलिए अभी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये देखिए आप नज़ारे देखिए, सामने भारत का स्तंभ अशोक चक्र लगा हुआ है। दोस्तों इस जगह को लोकल लैंग्वेज में अरिकल मोनई भी कहते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस ऐसा किया है। आप लोग भी आइए यहाँ पर, ये देखिए हिंद महासागर की लहरें, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप आइए और बहुत मज़ा आएगा आपको। इधर देखिए बे ऑफ बंगाल बिल्कुल शांत है और इधर ये देखिए लहरें आके टकरा रही हैं, ये हिंद महासागर की लहरें हैं। इधर बे ऑफ बंगाल पूरा शांत है, इधर देखिए हिंद महासागर की लहरें, दोनों यहाँ यहीं पर मिलती हैं। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने वानर सेना को निर्देश दिया था राम सेतु बनाने का। दोस्तों आपको बता दें इस जगह को धनुषकोड़ी क्यों कहते हैं। जब भगवान श्री राम सीता माता को श्रीलंका से वापस लेकर लौटे थे तो विभीषण जी ने विनती की थी भगवान राम से कि अब आप इस सेतु को तोड़ दीजिए, इसीलिए इसका नाम धनुषकोड़ी पड़ा था, जिसका मतलब होता है एंड ऑफ बो। दोस्तों इसी जगह से पत्थर रख कर के श्रीलंका तक पुल बनाया गया था। यहाँ पर पानी बहुत ही साफ है समुद्र का। दोस्तों पूरे भारत में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए इधर पूरा हिंद महासागर लहरों के साथ, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, ये देखिए उस साइड देखिए पूरा बे ऑफ बंगाल कितना शांत है, कितना शांत पानी है उसका। यही भारत का आखिरी लैंड है, यहीं से श्रीलंका 18 किलोमीटर बसता है बस। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं धनुषकोड़ी विलेज की तरफ। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो रेलवे ट्रैक बनाया था यहाँ पे, पहले यहाँ धनुषकोड़ी विलेज तक ट्रेन आती थी, लेकिन 1964 की सुनामी के बाद सब कुछ नष्ट हो गया था। दोस्तों सुनामी में कई लोगों की जाने गई थी उस समय इस जगह पर, इसीलिए लोकल के लोग इस जगह को गोस्ट टाउन भी कहते हैं। दोस्तों धनुषकोड़ी विलेज में किसी टूरिस्ट को रुकना अलाउड नहीं है। ये देखिए ये धनुषकोड़ी विलेज है, सामने आप चर्च देख रहे हैं। दोस्तों सुनामी में ये देखिए पूरा विलेज नष्ट हो गया था, ये देखिए थोड़ा सा चर्च बचा हुआ है, चर्च का पार्ट, बाकी पूरा नष्ट हो गया था। दोस्तों जब भी आप धनुषकोड़ी विलेज जाएं तो इधर कुछ वेंडर की शॉप हैं, यहाँ पर आकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ धनुषकोड़ी बीच की तरफ, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे समुद्र के, और ये बीच काफ़ी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर तक का शहर जो था वो समुद्र में डूब गया था उस सुनामी में। यहीं पर लगभग 10 से 12 फुट नीचे शहर डूब चुका है तब से और अभी तक।
दोस्तों यहाँ पर केवल लोकल मछुआरे ही अलाउड हैं रुकने के लिए, टूरिस्ट अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आप धनुषकोडी के लिए प्लान कर रहे हैं तो लगभग दो से तीन घंटे लगेंगे आपको, जो कि काफ़ी समय होगा आपका सारा सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और हमारे हिसाब से लगभग आधा घंटे आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आके आपको बैठिए धनुषकोडी बीच पर, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा पूरा, वो आप सामने देख सकते हैं जो कि रेलवे स्टेशन था यहाँ का। इधर ये चर्च है, ये पूरा गांव है, इधर ये देखिए इधर शहर था पूरा, जो कि 2 से 3 किलोमीटर समुद्र में डूब चुका है। दोस्तों इस रामेश्वरम सीरीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।